So I would like to invite the speaker of this workshop, it's a session. Sir, please come. Thank you, sir. ये जो चार परमार्थ है, धर्म, चित, चैतसिक रूप, तो हम लोगों ने देखा। चित, चैतसिक तो पहले से देखे थे, रूप हम लोग पिछले सत्र में देखे। अब निर्वाण बचता है, निर्वाण वाला भी पार्ट जो है वो छठा चैप्टर का ही लास्ट में थोड़ा सा दिया है। राहुल जी, मेरे पास बोला एक बुक ले आई। हाँ, ज्यादा है नहीं, दो चार पांच लाइन का ही है वो। तो निर्वाण जो है उसको देखते हैं, असली परमार्थ तो वही है, चौथा ही है। और उस चौथे को पाने के लिए ही इन तीनों को बतलाया गया है कि भाई मन क्या है, और यह जो रूप है, यह जो शरीर क्या है, तो हम क्या करें कि हमें परम सुख मिल जाए, निर्वाण मिल जाए। तो निर्वाण में दो पद है, नी है और वान है। वान का अर्थ तृष्णा होता है, और नी का मतलब नहीं होता है, अभाव होता है। जैसे निरोग, रोग का अभाव, निर्जल, जल का अभाव, नी अभाव के अर्थ को बतलाता है। तो जहां तृष्णा का अभाव हो, जहां तृष्णा नहीं हो, वही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं होता है, ये आप जान लें। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं होता है, निर्वाण का अर्थ तृष्णा का अभाव है, वही परम सुख कहा गया है। निर्वाणं परमं सुखं, निर्वाण जो है परम सुख है। अगर आप एक सप्ताह से, छह दिन से क्लास चल रहा है, तो ये भी जानते होंगे कि ये जो तृष्णा जो है वही दुख का कारण है। तृष्णा ही दुख का कारण है, और जितनी तृष्णाएं हैं उतना दुख है। सहस्रं पिप्यं दुःखं पि सहस्रं। अगर आपने हजार प्रिय बना रखा है, हजार तृष्णाएं पाल रखी है, तो दुख भी हजार है। सतं पियं दुःखं पि सतं। अगर सौ प्रिय है, आपने कुछ कम किया, प्रयास किया, आपने सौ किया, तो दुख भी सौ है। एकं पियं दुःखं पि एकमेव। और कम किया, एक तृष्णाएं आपने पाला, तो दुख भी एक ही है। नत्थी पियंग दुखं पि नत्थी। जहां एक भी तृष्णा नहीं है, तो वहां दुख नहीं है। तो तृष्णा क्या है? तृष्णा राग और द्वेष जो देखते हैं, वही तृष्णा है ना। तृष्णा को पाली में तन्हा कहा गया, काम तन्हा, भाव तन्हा, विभव तन्हा के रूप में। तो मोटा मोटी रूप में अब जाने कि जो राग और द्वेष है, वही जो है तृष्णा है। और राग और द्वेष होता क्यों है? रागो दोषो मोह। जो मोह है, जिसको हम अज्ञानता कहते हैं, जिसको अविद्या कहते हैं, उसी अविद्या के कारण राग द्वेष होता है। उसी अविद्या को हटाना, जब हट जाती है जब अविद्या, तो राग द्वेष भी हट जाता है। तो राग द्वेष हट जाता है, तो तृष्णा हट जाती है। तृष्णा हट जाती है, तो दुख हट जाता है। तो दुख हट जाता है, जब दुख हट, वही परम सुख है, वही निर्वाण है। तो अब हटाने का ऐसा नहीं है, हम जो जन्मतो जो है बहुत ऐसा नहीं है कि जन्मतो कोई मलिन होता है या इम्प्योर होता है। जन्मतो तो परिशुद्ध ही रहता है, लेकिन जो समाज जो है वो उसको गंदा करता है। पल घर का ही जो होता है, माँ बाप, वो कहता है
या माँ है, या बाप है, या भाई है, या बहन है, या बड़ा है, या छोटा है, इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, तो राग द्वेष धीरे धीरे आने लगता है, मैं का भाव उसमें भी जगने लगता है। तो मैं जो अहंकार है ये बहुत बड़ा शत्रु है। मैं का मतलब राग, जितना हम मैं पाल रहे हैं उतना हम राग पाल रहे हैं। जब हम राग पाल रहे हैं तो निश्चित रूप से सामने वाले के साथ द्वेष कर रहे हैं, तभी राग द्वेष दोनों मिलता जुलता है। राग है तभी द्वेष है, जब द्वेष नहीं रहेगा तो राग भी नहीं रहेगा। तो राग है इसलिए द्वेष है। तो इन दोनों को हटाने के लिए जो है ना, इसलिए भगवान बुद्ध जो है प्रयास करते रहे। आपने देखा होगा कि चित्त, क्योंकि अभिधम में हम जा रहे हैं, हम सुत में नहीं जा रहे हैं, तो अभिधम में देखे होंगे कि चार प्रकार के चित्त भूमि को बतलाया गया। चित्त भूमि, भूमि का अर्थ होता है चित्त का स्तर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चार प्रकार के देखे होंगे, कामावचर चित्त भूमि, रूपावचर चित्त भूमि, अरूपावचर चित्त भूमि और लोकोत्तर चित्त भूमि। कामावचर क्या है? जो चित्त इंद्रिय सुख में विचरण कर रहा है, जहां देख रहा है वहीं राग पैदा कर रहा है, जहां देख रहा है वहीं द्वेष पैदा कर रहा है, जहां सुन रहा है अच्छा लगा राग पैदा कर लिया, बुरा लगा द्वेष पैदा कर लिया, राग द्वेष। तो इस प्रकार का जो चित्त है वही कामावचर चित्त है। तो ये जो कामावचर चित्त वाला जो अवस्था है वो सबसे ज्यादा परेशान होता है, सबसे ज्यादा वो चित्त जो है दुखी रहता है। अब वो दुख से मुक्ति चाहता है तो मुक्ति के लिए कोई ना कोई साधना करनी पड़ेगी। तो उस साधना के लिए कोई, अब साधना तो पहले किया नहीं है तो कोई रूपवान चीज को लेता है। रूपवान देखे थे, वर्ण अब आकार रहे, तो वर्ण अब आकार पर जैसे कोई मंदिर जाता है, तो मंदिर जाता है शिव मंदिर रहा तो शिव की मूर्ति रही, शिवलिंग रहा, राम मंदिर गया तो राम की मूर्ति रही। तो कोई वर्ण है, कोई आकार है, तो वहां पर मन को एकाग्र करता है। जब एकाग्र करता है तो उसका दुख कुछ कम होता है। मन एक, उसका संबंध जो एकाग्रता से है, उस मंदिर से नहीं है, चाहे बुद्ध की मूर्ति क्यों ना हो, मन एकाग्र हुआ, पूरा ध्यान जो इधर उधर से हटकर वहां पर आया। जब मन एकाग्र हो गया तो मन उसका कुछ शांत हुआ, लेकिन जो ही वहां से हटता है फिर उसका जो है मन भटकता है और फिर परेशान होता है। लेकिन कामावचर अवस्था से वो खुद ज्यादा शांत अवश्य है, यानी कम दुखी है। अब अपने आप को और प्रयास करता है तो अरूपावचर चित्त में जाता है। अरूपावचर में देखे होंगे, रूप नहीं है, ना वर्ण है, ना आकार है। इस प्रकार के चार प्रकार के चित्त को बताया गया होगा, आकाशानं च आयतनं, वियानं च आयतनं, आकिंचन च आयतनं, नेव संया न संया आयतनं। ये चार प्रकार के चित्त बताएंगे होंगे। तो इसमें जो है अब वर्ण आकार नहीं है, पहले की अपेक्षा अब हमारा चित्त जो है और शांत हुआ है। लेकिन ये देखिए, जो चौथा जो चित्त है नेव संया न संया आयतनं, यहीं पर जो वेदांति कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गया, तो वहां एकदम परम ध्यान की अंतिम अवस्था है, वहां वो ध्यान की अंतिम अवस्था है। लेकिन जब तक वो ध्यान में रहता है, परम शांति में रहता है, ध्यान से जो हटता है फिर बेचैन होता है, फिर दुखी होता है, फिर अशांत होता है। तो फिर वो अब अपने अंदर देखता है कि अपने अंदर क्या है, क्यों हम अशांत होते हैं, हम तो ध्यान की अंतिम अवस्था को भी पहुंच चुके हैं। तब अपने अंदर देखता है कि हमारे अंदर 10 प्रकार के विकार हैं। उस विकार को टेक्निकली जो है अभिधम की भाषा में, बौद्ध शब्दावली में संयोजन कहा जाता है। संयोजन माने जोड़ना। जोड़ना किसको जोड़ता है? इस जीवन से अगले जीवन को जोड़ता है, फेटर्स कहते हैं अंग्रेजी में उसको। तो एक जीवन को दूसरे जीवन से जोड़ने वाले 10 कारक हैं, 10 विकार हैं, जिसके कारण वह परेशान हो रहा है, उसको अशांत कर रहा है। अब वो जब तक शांत रहता है तब तक वह भी शांत रहता है, जो ही वह अनुकूल मौका पाता है वह उठ खड़ा होता है और वह भी बेचैन हो जाता है। तो वह 10 संयोजन को देखता है। 10 संयोजन क्या है? सकाय दिट्ठि, विचिकिच्छा, शीलवत प्रामास, कामराग, पटीघ, रूपराग, अरूपराग,
मान, उद्धच्च और अविज्ञा, ये 10 पढ़े होंगे। तो ये 10 में से हम डिटेल में नहीं जाएंगे, चूंकि आप लोग कर चुके होंगे। तो 10 संयोजन में से जो ऊपर के जो 3 है, सकाय दिट्ठि, विचिकित्सा और शीलवत परामर्श। सकाय दिट्ठि क्या है? कि हमारे अंदर कोई नित्य सत्ता है, जैसे आत्मा नाम की कोई नित्य सत्ता है, यानी हम हैं। इस प्रकार का जब हम भाव रखते हैं तो सकाय दिट्ठि है, तो हमारे अहंकार खत्म ही नहीं होगा। दूसरा है विचिकित्सा। अब जिस साधना में चल रहे हैं उसी पर अपशंका कर रहे हैं, यह हुआ विचिकित्सा। और तीसरा है शीलवत परामर्श, यानी कर्मकांड के माध्यम से अपने को शुद्धि समझना। जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर गंगा स्नान कर ले तो हमारे सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी, ये एक कर्मकांड हुआ। तो इन तीनों को हमारे अंदर है तो प्रयास करता है कि ये हमारे अंदर, चूंकि अब ध्यान की अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, चूंकि सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो अपने अंदर उझांक करके देख रहा है कि क्या क्या कमी है। तो देखा कि ये 10 कमी है, तो अब वो प्रयास करता है एक एक को खत्म करने का। तो प्रयास करने के माध्यम में वह अपने प्रथम प्रयास में, फर्स्ट एफर्ट में, 3 संयोजनों को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। जब वे 3 संयोजन समाप्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं श्रोतापन्न, यानी स्रोत में आ गया। अपन्न माने आ जाना, स्रोत में आ गया। किस स्रोत में? दुख से मुक्ति के स्रोत में, निर्वाण के स्रोत में, परम सुख के स्रोत में वह आ चुका है। उसके अब मिलना ही मिलना है उसको, निर्वाण आज मिले या जब मिले। लेकिन अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु इसी लोक में हो जाती है, मान ले 3 संयोजनों को नष्ट किया और मर गया, तो अब उसका जो है ना, अधिक से अधिक कहा जाता है कि 7 बार और जन्म ग्रहण करेगा, उसके बाद जन्म ग्रहण। क्योंकि कर्म कर्मफल का कहानी है, जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार अपना आपका अगला जन्म होगा। तो वैसा माहौल में, वैसे वातावरण में जन्म लेगा, वह आगे के लिए इतना जो है ना पृष्ठभूमि तैयार रहेगी, और फिर आगे वो आगे कर्म करेगा। लेकिन वो चाहता है कि इसी जीवन में हम परम सुख को प्राप्त करें, फिर प्रयास करता है। तो अगले प्रयास में काम, राग और पटीग, यानी चौथा संयोजन और पांचवा संयोजन, इन 2 संयोजनों को नष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन ये 2 संयोजन इतने मजबूत हैं कि वह एक बार में नष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन इतना जरूर है उसको झकझोर देता है, उसे कमजोर कर देता है। तो जब दूसरा प्रयास में जब कमजोर हो जाते हैं, कामराग और पटीग है, पटीग माने द्वेष होता है, काम माने इंद्रिय सुख की प्रबल इच्छा होती है, ये 2 संयोजन जब कमजोर होता है उसे हम कहते हैं सकदागामी। तो अब ये सकदागामी हो गया, सकदा माने सकिंग, आगामी थी सकदागामी, यानी अब वो किसी कारणवश मर जाता है तो एक बार ही वह जन्म ग्रहण करेगा, दोबारा जन्म इस लोक में उसका नहीं होगा। तो ये हो गया सकदागामी। अब उस तीसरा फिर प्रयास करता है, तो तीसरे प्रयास में जो चौथा और पांचवा संयोजन जिसको कमजोर किया था, कामराग पटीक को, उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकता है, उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। तो कामराग पटीयुग संयोजन बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं अनागामी। अब वो इस लोक में दोबारा नहीं आएगा, यानी देवलोक में रहेगा, वहीं पर शुद्धावास में रहेगा, वहीं से मुक्त होगा, इस मनुष्य लोक में या और लोक में नहीं आएगा। फिर प्रयास करता है अगला, तो बाकी जो रिमेनिंग जो 5 संयोजन है, रूप राग, अरूप राग, मान, उद्धच्च और अविद्या, अविद्या अंतिम है, अविद्या। तो जब ये 5 संयोजन अंतिम प्रयास में वे नष्ट हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं अरहत, यानी अब वह अरिहत। तो अरि मने होता है दुश्मन, अपने अंदर का दुश्मन, जो राग, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, ये जो संयोजन जो भी है उसको जिन्होंने हत कर दिया, हनन कर दिया, नष्ट कर दिया, उसी को अरहत कहा जाता है। अब वो मुक्त हो गया, अब उसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है, तृष्णाएं नहीं है, अब तृष्णा मुक्त हो चुका है, पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है, उसी को अरहत कहते हैं।
तो अब वो अर्हत हो गया तो वह निर्वाण को पा लिया। तो निर्वाण पाने का ये साधन है, तो इस तरह से वो निर्वाण पाता है। निर्वाण का अर्थ यही हुआ कि तृष्णा से रहित जो अवस्था है, जहां बिल्कुल ही तृष्णा यानी डिजायरलेसनेस जो है, वह जो है कंप्लीट डिजायरलेसनेस, वह आपका जो है वह निर्वाण है। जो तीसरा जो आरसत है, दुख निरोधो तीन निपानन, जो दुख निरोध है वो जो है आपका निर्वाण है। तो दुख निरोध को क्या कहा गया, यो तस्सा यो तनहाय अशेष अशेष शेष नहीं अशेष माने पूर्ण रूप से अशेष विराग, राग रहित हो जाना, विराग अशेष विराग निरोध हो जाना पूर्ण रूप से तृष्णा का, अशेष विराग निरोधो जागो, पूर्ण रूप से त्याग कर देना, अशेष में जुड़ा हुआ है, प्रतिनिषर्ग कर देना, छोड़ देना, पूर्ण रूप से छोड़ देना तृष्णा का, मुक्त हो जाना तृष्णाओं से, अनालयो आले नहीं घर नहीं, अब तृष्णा का घर नहीं, अनालय हो जाना, यही जो है आपका निर्वाण है, कंप्लीट निर्वाण है। अब ये निर्वाण जो है, अब इस अवस्था को प्राप्त हो गया, निर्वाण को दो भागों में बांटा गया, एक कहते हैं सौ उपाधि शेष निर्वाण, दूसरा कहते हैं अनुपाधि शेष निर्वाण, सौ उपाधि शेष निर्वाण और अनुपाधि शेष निर्वाण, अनुपाधि शेष निर्वाण को निरुपाधि शेष निर्वाण भी कहते हैं। अब देखें, जब जीवित अवस्था में जैसे गौतम बुद्ध को बोध गया में निर्वाण मिला ना, अर्हत की प्राप्ति हुई, जहां प्रज्ञा प्राप्ति हुई वही निर्वाण है। प्रज्ञा का कुछ फल मिलेगा ना, परम ज्ञान जो मिला, प्रज्ञा क्या परम ज्ञान है, जब परम ज्ञान मिलेगा कोई फल मिलेगा तो फल निर्वाण है, परम सुख है, जब परम ज्ञान मिला तो परम सुख मिला। तो ये जो परम सुख जो मिला, यानी जो 35वें साल में जो बोधि वृक्ष के नीचे जो गौतम बुद्ध को जो परम ज्ञान मिला, जो उनको जीवन में जो परिवर्तन हुआ, जो दुख की मुक्ति मिली, जो परम सुख को प्राप्त हुआ, और सौ उपाधि शेष निर्वाण, यानी कहने का अर्थ है, उपाधि का अर्थ यहाँ पंचखंड है, पंचखंड का अर्थ हुआ रूप उनके साथ है, वेदना उनके साथ है, संज्ञा उनके साथ है, संस्कार है, विज्ञान है, यानी नाम अरूप है, यानी जीवित अवस्था में जो निर्वाण मिला वह हो गया आपका सौपाधि शेष निर्वाण। भगवान बुद्ध 45 वर्षों तक सौपाधि शेष निर्वाण में बने रहते हैं, और जो कोशी नगर में जो उनको निर्वाण मिला, मुक्ति हो गई, वही मुक्ति परम मुक्ति जिसको कहते हैं सनातन परंपरा, जिसको मोक्ष कहते हैं, वो जो मोक्ष है वो निरुपाधि शेष निर्वाण है, अनुपाधि शेष निर्वाण है। अब अगला जन्म नहीं लेना है, पूर्ण रूप से मुक्ति, अब इस जरा मरण से भी मुक्ति अब आना नहीं है, जीवन मरण का जो चक्र है, जो भाव चक्र है वह टूट गया है, क्योंकि जोड़ने वाला जो भाव चक्र को जो है ना, वो तो तृष्णा है ना, वो अविद्या है ना, अविद्या का नष्ट होना ही निर्वाण है, तृष्णा का नष्ट होना ही निर्वाण है, तो उसे मुक्त हो गए, तो भाव चक्र से जो मुक्ति मिल गई, यानी जब मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद अगला जन्म नहीं, जो मृत्यु है उसको कहते हैं निरुपाधि शेष निर्वाण या अनुपाधि शेष निर्वाण, या इसी को अलग करने के लिए परिनिर्वाण भी कहते हैं, परिनिर्वाण, परिनिर्वाण बुद्ध के लिए महाशब्द जोड़ दिया गया, महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण का अर्थ हो गया मृत्यु, निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है, निर्वाण का अर्थ है परम सुख, परिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। अब निर्वाण में भी जो है, अब कहता है इसमें भाव रूप भी है, अभाव रूप भी है और अव्याकृत रूप भी है। तो भाव रूप क्या है, भाव माने कुछ हो, अभाव माने नहीं होता है, यानी भाव माने रहना, यानी रहने का अभाव, उसी को अभाव कहते हैं। क्या है, तो यह
शांत पद है, परम सुख है, यानी कुछ है तो क्या है, तो यहाँ शांति है, यहाँ सुख है, यह जो भाव है यह निर्वाण है, निर्वाण का भाव रूप है, अस्थि रूप है, अस्थि रूप है। नस्थि रूप क्या है, नास्ति रूप क्या नहीं है, तो दुख नहीं है, दुख स्वभाव है, दुख निरोध है, तन्हाई निरोध है, तृष्णा का निरोध है, तृष्णा नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं है, अभय ठान कहा गया निर्वाण को। जब निर्वाण मिल जाता है तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, अभय ठान कहा जाता है इसको। तो जो नहीं है तो वह हो गया आपका नत्थी रूप, अभाव रूप। अभाव रूप में हो गया तृष्णा का अभाव, दुख का अभाव, भय का अभाव, जहां भी अभाव वाला जो चीज है, या कहे के संयोजन का अभाव, विकार का अभाव, जो भी अभाव है इसका विकार रूप, ये हो गया उसका अभाव रूप। और तीसरा है कि अकथनीय रूप, अव्याकृत रूप, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। निर्वाण कैसा है, अब इतना ही कह सकते हैं, निर्वाण सुख है। किस प्रकार का सुख है यह व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसा आपने रसगुल्ला खाया, खाया ना, जलेबी भी मिला था, अभी मिला था ना, अब कहे दोनों के मिठास में अंतर बताओ, नहीं बता सकते। दोनों कहेंगे मीठा है, या भले कहेंगे रसगुल्ला अच्छा है, जिसको अच्छा लगता है, क्योंकि शब्दों की सीमा है, शब्दों की अपनी सीमा है। निर्वाण असीम है, व्यक्त नहीं कर सकता, यही कह सकते हैं परम सुख है, इससे ऊपर दूसरा सुख नहीं है। ये उसका अव्याकृत रूप हो गया, अकथनीय रूप हो गया। अब निर्वाण को दिट धम निबान भी कहते हैं, दिट धम कहीं मिलता है अलग अलग, दिट धम निबान का अर्थ हो दिट मने दृष्ट, धम का अर्थ वहां जीवन में है, इसी जीवन में जो हम देख रहे हैं निर्वाण को, जो भगवान बुद्ध को 35वें वर्ष में मिला और 45 वर्षों तक जो भोग किया, उदित धम निर्वाण है, इसी जीवन में जो भोग कर रहे हैं। कुछ लोग का होता है कि निर्वाण में पाया और मर गया उसी समय, जैसे कि आप देखते होंगे कि जब व्यक्ति मरने के क्षण में रहता है तो कहता है ना रामायण सुनाया जाता है, सुनाता है रामायण, तो इसलिए सुनाता है कहीं इसके अंदर का जो है ना राग द्वेष नष्ट हो जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है। गीता सुनाया जाता है, गीता में क्या है, वही कर्मण्येवाधिकारः अस्ति मा फलम्, यानी आप निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म जहां आ गया सब खत्म हो गया, कर्म का फल ही खत्म हो जाएगा। तो निष्काम जितना अधिक हो सके, इसलिए उसको सुनाने का प्रयास करता अंतिम में कि गीता सुने और उसके अंदर का जो दुर्गुण है, विकार है, वह खत्म हो। तो अगर मान लो वैसी स्थिति आती है तो वहीं मरा हुआ, तो वहीं खत्म, तो उसको कहते हैं अदीप्त धम, देखा नहीं और निर्वाण प्राप्त हो गया, उसको संपरायिक निर्वाण भी कहते हैं। तो यही निर्वाण है। अगर कुछ और पूछना उछना हो तो पूछिए। इसमें जो लिखा है इसका देख लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसमें हाँ एक संकत और असंकत है। निर्वाण को असंकत कहा जाता है, बाकी जो तीन रहे प्रमाद धर्म वह संकत है, चित चैतसिक और रूप है, ये तीन धम जो है वह संकत धम है। संकत का अर्थ होता है जिसका निर्वाण किया जा सकता है, जिसको बनाया जा सकता है, संस्कारित धम, जिसका संस्कार किया जा सकता है। और निर्वाण जो असंखत है, इसका निर्वाण नहीं कर सकते हैं, फिर उसका बन नहीं सकता है, इसलिए इसको असंखत धर्म, असंस्कृत धर्म कहा जाता है। कहा गया पद मच्युत मचंतंग असंखत मनुतरंग निबान मिति भाषंती वान मुत्ता महेशयो। पद पद मने होता है स्टेट ऑफ माइंड, ये ऐसा पद मच्युत अच्युत, अगर संधि विच्छेद करें मदाश्रय सूत्र है, पदंग प्लस अच्युतंग प्लस अचंतंग,
यानी यह अत्यंत अच्युत है, च्युत नहीं किया जा सकता। एक बार यह मन की जब स्थिति बन गई निर्वाण वाली, फिर आदमी नीचे नहीं गिर सकता है, वो अंतिम स्थिति है, वहीं पर बना रहता है। असंखत मनुतरंग, मनुतरंग अनुतरंग, उससे ऊपर अनसरपास्ड है, उससे आगे दूसरा कोई नहीं है, यह असंखत धम्म है। निबान निबानंग इति भाष, यही निबान है। भाषंती वान मुत्ता महेशियो, जो तृष्णा से मुक्त महेश हैं, या मुनि लोग जो भी है, महर्षि लोग जो है, महर्षि से महेशियो आया है, इसी इसियो है ना, तो प्लुरल शब्द, जो भी महर्षि लोग है, इसी को निर्वाण कहते हैं, यही आपका निर्वाण है। इति चित्तं चेतसिकं रूपं निबान मिच्यपि परमत्थं प्रकाशयन्ति चतुधा च तथागता, ये तथागत के द्वारा बतलाया गया है। अब इसके ऊपर से अब जो पर पूछे, इसे और जो है क्लैरिटी हो जाएगी प्रश्न उत्तर से। धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न निर्वाण से संबंधित है कि निर्वाण की प्राप्ति क्यों करनी है, क्यों करना है निर्वाण, और निर्वाण जो है वो किसको होता है सर? क्योंकि प्रतिक्षण व्यक्ति जो बदल रहा है, अभी मान लो मेरे को दुख हो रहा है, या अभी सुख है मेरे को, बहुत खुशी हो रही, सुख मिल रहा, थोड़ी देर बाद मुझे दुख भी मिलेगा, ये मुझे मालूम है, तो इन सब से ये चलता रहेगा जीवन में, तो इससे सर हमें मुक्त क्यों होना है, क्यों मतलब निर्वाण का कॉन्सेप्ट लाया गया? क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है वो इतना सुख देखे थे अपने जीवन में 25-29 साल तक, कि उनको जरूरत सर पड़ी कि कुछ अलग है, ऐसा कुछ जो सुख से भी अलग है, तो उन्होंने वहां पे देखा कि हाँ दुख है तमाम प्रकार के, उसमें जो चार दृश्य देखे थे उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, तो उनके अंदर वो एक जिज्ञासा आई, क्योंकि उन्होंने कभी दुख को देखा नहीं था। लेकिन जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सुख को भी देख रहा, दुख को भी देख रहा, और अंतोगत्ता वो जानता है कि ये सुख दुख के थ्रू हमें जिसको आपने परिनिर्वाण कहा, यदि वो हो भी जाता है, मृत्यु हो जाती, तो फिर जन्म लेगा, फिर सुख दुख करेगा, तो निर्वाण और परिनिर्वाण का कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत सर? ये मेरा एक प्रश्न है। दूसरा ये है कि आपने पहले लेक्चर में बताया था पंच महाभूत का, जिसमें चार महाभूत बताए थे, तो सर आकाश तो हर तत्व में है, कोई भी पदार्थ इस संसार में है उसमें कमोवेश, लेकिन आकाश जरूर है, तो आकाश जो है, तत्व जो है, उसको क्यों नहीं सर ये बौद्ध दर्शन मानते, क्या मान सकते उसको सर, मानना चाहिए, या उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे यदि नहीं मान रहे तो? ये प्रश्न, धन्यवाद सर। आकाश धातु को तो माना ही गया ना, उपादान रूप में माना गया है, इसलिए ये कहना कि नहीं माना है ये तो बेमानी है, वो तो माना गया ना, हो गया। अरे भाई पंच महाभूत वैदिक वाला माना, यहाँ उपादान रूप में माना, माना है ना, इसलिए मानने की बात नहीं है, ठीक है ना। एक और अब ये कह रहे हो कि अगर आपको सुख नहीं चाहिए, तो ज्यादातर लोग तो वही है, सुख नहीं चाहिए, जिसको सुख चाहिए वो निर्वाण के लिए प्रयास करता है, अभ्यास करता है, सील का पालन करता है, समाधि का अभ्यास करता है, तब उसको प्रज्ञा मिलता है और निर्वाण मिलता है। सुख तो सुख को प्राप्त करने के लिए ये है, अब सुख क्यों चाहिए इसका तो अब कोई उत्तर नहीं है। अब कह रहे कि यहाँ हमको पीएचडी क्यों करना चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है ना, हमको पीएचडी क्यों करना चाहिए? अबे जिसको चाहिए वो बताएगा भाई। हाँ अरे भाई उसी जो आपके लिए वो डिग्री महत्व है, किसी के लिए सुख महत्वपूर्ण है, उसको परम सुख चाहिए, अगला जन्म नहीं चाहिए, है ना, उसके लिए निर्वाण है।
ये निर्वाण कहने कहने की स्थिति का नहीं है, वह अव्याकत शब्द है या अकथनीय शब्द है ना। पहले सील का पालन करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। पहले आप झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दो, आप खुद को आगे बढ़ने के रास्ते पर चलने लगेंगे, है ना। इसलिए सुख के लिए आदमी भाग रहा है ना, लेकिन कुछ लोग सुख नहीं चाहिए, तो आप जो भी करना करें उसको कोई रोका नहीं है ना। ये परम सुख की प्राप्ति के लिए है, परम सुख अगर चाहिए, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए, तो सारे ऐसा नहीं जितने भी इंडियन फिलोसफर्स हैं चराग को छोड़कर सारे इसकी बात करते हैं, मोक्ष कहे या निर्वाण कहे दोनों बात बराबर ही है। सर ये जो आपने कहा ना कि ये निर्वाण जो है मतलब बताया नहीं जा सकता, जो आप रसगुल्ला और इसका उदाहरण दिए हैं, वैसे सारे ही दर्शनों में इसका मतलब कंट्रोवर्सी चल रहा है और हो रहा है कि मतलब वो अगर कुछ बताया ही नहीं जा सकता, अगर वो अनिर्वचनीय है तो कैसे कह सकते हैं कि वो सुख की अनुभूति है या दुख की अनुभूति है, जिसे आप परम सुख कह रहे हैं। तो मैडम जो मिठाई खाया वो कड़ा है कोई मीठा है, अब अगर आपको भी चाहिए तो मीठा खाओ, सीधी सी बात है मैडम। अगर आपने जैसे रसगुल्ला हमने खाया, किसी ने नहीं खाया, तो जिसने खाया वो कहेगा कि भैया ये रसगुल्ला मीठा होता है, अब अगला कहे कि हम जो है वो खाएंगे नहीं, मीठा होता कैसे ये बताओ, खाएगा तुमने जानेगा वो मीठा होता है। भगवान बुद्ध को जो है एक पुटपाद नामक ब्राह्मण था, है ना, वो बुद्ध के पास आया, वो वही बात 10 प्रकार के प्रश्न पूछने लगा, है ना, जिसको अव्याकत प्रश्न करते हैं, है ना, सस्तो लोकोतीवा असस्तो लोकोतीवा, है ना, तन जीवन तन शरीर जीवा अयन जीवा अयन शरीर होती तथागत, इस टाइप के 10 सवाल उसने पूछा। भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे अस्तर का चीज ही नहीं है समझने का, और तुम समझ नहीं पाए हुए, मतलब जो दो अदो चार नहीं जान रहा उसको आप कैलकुलस कहिए बताने का, वो समझेगा, उसको तो पहले वो भूमि तैयार करनी पड़ेगी ना, तब ना उस स्तर तक समझेगा, ठीक ना। तो पहले जब तक उतना नहीं जानेगा वो आगे समझेगा नहीं, तो उसको बुद्ध समझाते हैं कि देखो अगर किसी को 20 वाला बाण लगा है, उसमें पिस्तौल गोली तो था नहीं, रहता था तीर रहता था, उसके आगे पॉइजन लगा देता तब मार देता, मर जाता था आदमी, तब अगर अब ये कोई ये बोले कि भैया हम तीर तब निकलवाएंगे जब आप ये बताओ कि मारने वाला व्यक्ति जो है कौन है, कहां किस दिशा से आया है, किसने उस वाहन को बनाया है, तब तो उसका उत्तर मिलेगा नहीं और वो मर जाएगा, मर ही जाएगा ना। तो बुद्ध का सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने कहा आओ और देखो, सीधी सी बात, आप आओ पालन करो और उसके बाद फल पाओ। झूठ बोलते हो झूठ बोलना छोड़ दो, आप तो आप झूठ भी बोलोगे और कहोगे कि झूठ का फल क्या होता है ये कैसे पता होगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा ना तब उसका फल मिलेगा ना हमें, हिंसा छोड़ना पड़ेगा तब हमें हिंसा का फल मिलेगा, तो हम जानेंगे ये अनुभूति की चीज है ना, ये अनुभूति के स्तर पर ही हम जान सकते हैं, ये बहस का तर्क की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने सील बताया ना, सील का पालन करो, अगर लाभ न मिले, इसलिए बुद्ध ने कहा कि किसी की बात को तुम इसलिए स्वीकार मत करो कि वह देखने में बड़ा सुंदर है, वह बड़ा तार्किक बोल रहा है, वो भी कहा कि बुद्ध बोल रहे हैं इसलिए भी तुम स्वीकार मत करो, उसको जांचो परखो, अगर तुम्हें उचित लगे लगे कि लाभ हो रहा है तब उसे स्वीकार करो। अंधविश्वासी बनने को बुद्ध ने नहीं कहा, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका था, आप झूठ बोलना छोड़े स्वीकार कीजिए, आपको खुद लगेगा कि निर्वाण कितना होगा। अगर आप झूठ कम करना शुरू कीजिए ना
आपको खुद पता लगने लगेगा कि ऊपर की स्थिति क्या होगी। इसमें रह करके मैडम कहाँ जा रहे हैं? आध्यात्मिक चीज है ना। सर रूप समुत्थान क्या है? रूप समुत्थान का अर्थ हुआ रूप का उत्थान, रूप का पैदा लेना। तो जो है जैसे आपका रूप में भी जो विकार है ना, रूप में जैसे कभी ऋतु के ऋतु परिवर्तन होता है, उसमें भी हमारे ऋतु में आपका रूप में परिवर्तन आ जाता है, वो विकार रूप में आ गया। इसमें बतावे क्या देखते हैं सर, इसको विस्तार से समझा दीजिए कितने प्रकार के रूप समुत्थान हैं। अभी बताता हूँ, चूंकि उसमें बहुत कम समय का वो चीज नहीं है मैडम, ये जो है ना वो चूंकि जो जरूरी जरूरी चीज था वो हमने बता दिया, अगर इसमें उलझते ना तो फिर हम नहीं। देखिए रूप समुत्थान करना है, कमंग चित्तंग उतु आहारो, ये चार चीज है जो रूप में परिवर्तन करते हैं, यही चार जो है रूप समुत्थान है। जैसे कर्म करते हैं, कर्म के कारण जैसे आप गुस्सा कर दीजिए मुंह लाल हो जाएगा, दान दीजिए देखिए कितना सौम्य लगता है, लगता है ना, ध्यान से उठिए, क्रोध कीजिए, ये कर्म हुआ। कर्म से जो है रूप में हमारा परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद क्या है, चित्तन, चित्त पर जो चित्त हमने देखे, राग चित्त, द्वेष चित्त, मोह चित्त, जो भी चित्त होता है उससे हमारे जो है रूप पर भी परिवर्तन होता है ना। अगर चित्त अच्छा है तो हमारा रूप भी अच्छा रहेगा, चित्त हमारा खराब रहेगा तो हमारा रूप भी विकृत। ऊतु, ऊतु माने ऋतु, परिवर्तन ऋतु के पर भी बढ़ता है। जैसे देखते हैं गर्मी में जो है शक्ल कुछ अलग हो जाता है, ठंडा में सिकुड़ जाता है, उसमें भी हमारा परिवर्तन होता है। अलग अलग कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, इसलिए जाड़ा में कुछ और लगाते हैं, गर्मी के लिए कुछ और लगाते हैं मेंटेन करने के लिए। तो ये जो परिवर्तन जो होता है ना ये समुत्थान है। एक है खाते हैं, खाता है ज्यादा, खाएगा तो ज्यादा मोटा होगा, कम खाएगा दुबला पतला हो जाएगा, शरीर में परिवर्तन हुआ। यही चार समुत्थान, ये चार लिख, यही चार। मृत्यु के करीब है और उसको गीता और रामायण का पाठ सुनाया जाता है जैसा आप बताए हैं, तो कोई व्यक्ति जो पूरी जिंदगी राग द्वेष मोह से प्रेरित होकर काम कर रहा है, 10 मिनट का वो पाठ सुनाने से उसके अंदर वो भाव आ सकता है क्या? और अगर आ सकता है तो लगभग सारे ही लोग मरते होंगे तो उनको ये चीज सुनाया जाता होगा, तो सारे के अंदर ये भाव आ जाएगा। हो गया ना प्रश्न, तो फिर सबको सुनाने का मतलब मत सुनाओ। कहाँ सुनाता है सबको, कहाँ किसको सुनाता है भैया? तो कोई कोई सुनाता है, दिन भर हत्या किया, जीवन भर हत्या किया, वो सुनकर क्या कर लेगा? लेकिन तब भी घर वाले जो है कोशिश करते कहीं हो जाए, कुछ भी परिवर्तन हो जाए उसका तो काम बिल्कुल। अगर मान लिया अंतिम अंतिम समय में भी अगर कुछ उसको मिल जाए, क्योंकि मरने के समय में वही जाएगा विपाक। चित्त चित जो होता है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, मरने में वही जाएगा। गीता से कोई लेना देना कहाँ समझेगा उसको, उसको तो मुक्ति नहीं मिलेगा, उसको हिंदी में बताना चाहिए ताकि उसको कोई मुक्ति मिल जाए। उस समय का चला आ रहा है, उस समय का चला आ रहा है, वो सुना आ रहा है, कहीं अच्छा भाव जग जाए। मतलब यही है कि अच्छा भाव जगे, अच्छा भाव जगेगा, अच्छे भाव के साथ मरेगा तो उसकी सदगति होगी। हाँ
बचपन में जाते हैं, तो एक तरह का यहाँ पे विकास हो रहा है। विकार मतलब विरूप या विकृति कह सकते हैं ना इसको, विकार माने इम्प्योरिटी मैडम, इम्प्योरिटी। तो सर इसको सांख्य का जो विकासवाद है वहां पे भी स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम होता है, तो क्या उसके विरूप परिणाम थे, क्योंकि विकास यहाँ पे भी हो रहा है एक जीवन से दूसरे जीवन में और वहां पे भी विकास ही होता है, तो क्या दोनों को जोड़ सकते हैं किसी भी एंगल से? जहाँ परिवर्तन हुआ वह विकार है मैडम, यहाँ जो विकार जो करे एक शब्द के कई अर्थ रहते हैं, एक शब्द के कई अर्थ रहते हैं, तो यहाँ जो विकार जो हम बोल रहे हैं ना वो अकुशल धर्म के अर्थ में कह रहे हैं, हाँ संयोजन के अर्थ में कह रहे हैं, इम्प्योरिटीज के अर्थ में बोल रहे हैं, इमोरल धम्माज, इमोरल धम्माज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा जो लेक्चर है उससे थोड़ा अनरिलेटेड भी हो सकता है सर। आपने सर एकाग्रता के लिए प्रयोग किया कि मंदिर या कोई मूर्ति है वो एकाग्रता के लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ, वो जो भी देखता है डिवोशन करता है वो साधन के रूप में प्रयोग किया, तो मेरे सगुण परंपरा में जो विष्णु का भक्त हुआ, जो शिवलिंग का पूजा करता है मेडिटेशन के लिए, या बुद्ध का भी कोई मानने वाला परंपरा वाला उसको उस तरीके से मानता है, तो क्या ये जो भी चीज मूर्तियां हैं जो सगुण परंपरा के जो जो उपासक हुए वो अपने डिवोशन को उस साधक साधन के रूप में मान रहे हैं या साध्य के रूप में मान रहे हैं, चूंकि यहाँ एकाग्रता साध्य के रूप में आपके लिए हुआ सर प्रयोग, आपने बताया। वो तो साधन है ना, वो तो साध्य तो हमारा तो साधन है, साध्य तो निर्वाण प्राप्त तो सर शंकर तो साधन है ना, शंकर हो गए सर और रामकृष्ण परमहंस हुए, उन्होंने देवी देवता के रूप में अपने को माना, वो साधन के रूप में मान लिए देवी को या साध्य के रूप में मान लिया? साधन के रूप में साध्य प्राप्त हो गया, साधन के रूप में साधन, साधन के रूप में तो साधन ही था ना, वहीं से चला ना, जैसे आप पढ़ते भी है ना तो ये भी एकाग्रता का है, एकाग्रता आप कभी कभी चार पेज पढ़ लिए वो पीछे भूल जाते पढ़े ही नहीं, आगे निकल गया, आपने रीडिंग तो दे दिया निकल गया पीछे, जिसकी एकाग्रता जितनी अधिक रहेगी वो तो साधन है, साधन है वो, साध्य नहीं है। हाँ साधन करते करते जैसे आप कह रहे हैं विवेकानंद उसी को माता को देखते 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 माता कहीं आ गई, साधन है साध्य हो गया। किया गया है और सर हम ये भी जानते हैं कि सर कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है, और सर हम ये भी जानते हैं कि सर जो निर्माण है वो स्थाई माना गया है बौद्ध दर्शन में, तो सर कर्म की जो गति है या जिस कर्म से हमें पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, तो कर्म की सर गति सर कैसे नित्य है कि हमें अगले जन्म का हमारा कारण बनती है, जबकि सर निर्माण को ही स्थायी माना गया है बौद्ध दर्शन में, तो कर्म सर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे पुनर्जन्म का कारण बनता है, या कौन सा ऐसा चीज है जो अस्थायी होगा, गति सर अस्थायी है नित्य तो सर केवल या अस्थायी सर निर्माण ही है, सर गति में ऐसा कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत जो हमारे पुनर्जन्म के कर्मों का कारण बनता है, आज हमने सर कोई कर्म किया तो आज से 5 साल बाद उस कर्म का जो फल हमें प्राप्त होगा, पर सर गति तो सर अस्थायी है बौद्ध दर्शन अनुसार जो कि निर्माण से ही स्थायी माना गया है, तो सर ये सर बहुत दिनों से हमारा ये प्रश्न है। अब कर्म देखिए बीज के समान समझिए, दो बीज है, एक बीज को भून दिया जाए एक बीज को छोड़ दिया जाए, है ना, पूरा मिट्टी खाद दिया जाए तो एक बीज से पौधा बनेगा ना, थोड़ा सा छोटा पौधा बनेगा, पौधा से बीज बनेगा, बीज से फिर कई बीज बनते रहेंगे, ठीक। उसी तरह के जब हम काम करते हैं छोटा बड़ा जो भी काम कर, अच्छा भी करते हैं बुरा भी कर्म करते हैं, कर्म कुछ का कर्म का फल मिल जाता है, कुछ का नहीं मिलता है रह जाता है, है? तो वो भी आदमी मर ही जाता है ना, फिर जन्म लेता है ना, वो बीज का बना वो बीज, फिर अगला बीज दिया ना, फिर अगला बीज दिया ना, बीज दे रहा है ना, उसी तरह आदमी मरा फिर जो कर्म किया है ना वो अगला फिर आदमी पैदा दे दिया, आदमी न दिया तो जानवर दिया, कीड़ा दिया मकोड़ा दिया, जो दे जैसा कर्म किया उसके अनुसार जन्म ग्रहण करता है, उस समय तक जन्म ग्रहण करेगा जब तक कि हम बीज को हम भून ना दे, बीज को भून देंगे तब बोए,
नहीं होगा ना, एक बीज को पहले एक क्लियर कर दे, पहले इसको तो समझ जाइए। जब बीज को हमने भून दिया तब तो कुछ भी बोई कुछ नहीं होगा, है ना। तो कर्म, उसके बाद कर्म जो है निष्काम कर्म करता, उसी को निष्काम कर्म करते हैं। न कहीं राग है न कहीं द्वेष है, क्योंकि अविद्या रहित है ना। पूर्ण जो है प्रज्ञा से युक्त वह कर्म है। राग द्वेष है ही नहीं, अविद्या है ही नहीं, तृष्णा है ही नहीं, तो कोई फल देगा ही नहीं, निष्काम कर्म हो गया, तो अगला जन्म ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन जब तक हम निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेते हैं तो हम सकाम कर्म करेंगे, कलेश से युक्त कर्म करेंगे। जैसे कोई भीख मंगा है, आपसे पैसा मांगा, आपने 2 रुपया दिया, वो कहा कि 2 रुपया नहीं लेंगे, 5 रुपया लेंगे, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया, क्यों लेगा 5 रुपया, गुस्सा आ गया ना, क्यों आ गया, आपके अंदर अहंकार आ गया, क्योंकि अहंकार अंदर पला है। आपने जरूर दानचित उत्पन्न हुआ, दान देना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर अहंकार भी पाल रखा है, अगर 5 ठीक हो गया 10 हो 10, तो ये जो कर्म है ना वही कर्म। अब फिर करे अनित्य वाला, तो ये तो बदलता ही रहता है ना, कर्म तो हमेशा बदलता रहता है, जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार विभाग भी बदलता रहेगा, फल भी बदलता रहेगा। इसलिए अंतिम कर्म जो मरने के क्षण वाला है वो अंतिम में बदल भी सकता है बिल्कुल, अगर निष्काम कर्म हो गया अंतिम एकदम एकदम मुक्त हो गया तो साथ में वही जाएगा, मुक्ति किस में वही जाएगा। इसे चिंतित चित्त बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम वाला मरने वाला जो क्षण है बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, धन्यवाद सर। सर वर्तमान जो स्थिति है बहुत दर्शन के अनुसार वो सर दुख की है, वर्तमान में सर हम लोग दुख में हैं और सर हमारा लक्ष्य सुख की प्राप्ति, तो सर सुख की प्राप्ति सर तभी है जब तृष्णा का सर अंत हो जाता है, तभी सर हमें सुख की प्राप्ति होती है। और तृष्णा सर ये सर विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति सर है वही तृष्णा जी सर जो भौतिक चीज है, कोई लालसा है, तो सर हमारा प्रश्न ये है यदि हम तृष्णा से बचते हैं या अपनी हम लालसा को सीमित करते हैं तो भौतिक जगत को सर हम उससे बचते हैं या उसके महत्व को या उसकी उपयोगिता को नकारते हैं हम, या उससे बचने का प्रयास करते हैं, तो सर ऐसा करके आप भौतिक जगत के महत्व को नकारते हैं तो क्या जो आध्यात्मवादी विचार हैं जो ये मानते हैं कि भौतिक जगत का इतना महत्व नहीं है, तो इस रूप में सर बौद्ध दर्शन भौतिक जगत को नकार कर आध्यात्मवादी का सहयोग तो नहीं कर रहा है? हमारा प्रश्न सर यहाँ पे मूल ये है कि अगर हम अपने तृष्णाओं को सीमित करते हैं तो भौतिक जगत के महत्व को उसकी प्रासंगिकता को नकारते हैं या उसे सीमित करते हैं, यही कार्य सर आध्यात्मवादी विचार धारा भी उनका मानना है सर भौतिक जगत को निम्न स्थान देना है, तो सर प्रश्न हमारा यही है। अब ये बताएं, गांधी जी अहिंसा थे, ठीक है ना, गांधी को तो पूरा दुनिया मान रही, मान रहा है ना, ठीक, आजादी दिलाया कि नहीं दिलाया, दिलाया ना, तो ऐसा नहीं है कि ये कमजोर बना रहा है, कोई काम करने से मना कर रहा है, तो करा कि निष्काम कर्म करो, ये कहां कह रहा कि कर्म मत करो, कि बुद्ध ने तो नहीं कहा कि कहीं कर्म नहीं करो, मकान मत बनाओ, ये तो नहीं, किसी की अवहेलना करके मकान बनाओ, आप ईमानदारी से काम करो, ये कहां रोक कर रहा है, निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, है ना। इसलिए इसमें भौतिकतावाद भौतिक को रोका नहीं है, लिप्त नहीं होने के लिए कहा है, उसमें लिप्त होने के लिए नहीं कहा, काम काम की तरह करो। एक देखिए, कोई एक व्यक्ति है वह फेल हो जाता, मान ले सुसाइड कर लेता है, दूसरा फेल होने के बाद वो मस्त रहता है, टीम कंडीशन ऐसा नहीं कि वो भोंदा है, दोनों इक्वली है, दोनों तेज है, दोनों तैयारी कर रहा है, एक फेल किया सुसाइड कर लिया, दूसरा है फिर आगे फिर प्रयास करता है, मेंटल रोकने के लिए बुद्ध नहीं करते है ना, काम करते जाओ। हाँ तो अरे भैया सबकी लालसा नहीं ना है, वो जिसकी लालसा वो करे ना, जान तो रहे हो लेकिन कहाँ करता है, कोई कोई करता है तो बताओ ना, वो तो आदर्श है एकदम, वो तो आदर्श है। बुद्ध के समय ही कितने लोग निर्वाण प्राप्त किए, बुद्ध के समय कितने लोग निर्वाण प्राप्त किए, नहीं ना किए, कहना आसान है, बोल रहे हो करे, कल से तुम झूठ बोलना छोड़ दो, खाली बाकी छोड़ो, तुम निर्माण चोर झूठ बोलना छोड़ कर दिखाओ, भौतिकता बात बहुत बात है, भौतिकता छोड़ने की बात कर रहे हैं, अरे तुम छोड़ो तो, पहले छोड़ नहीं पाओगे ना, छोड़ ही नहीं पाओगे,
नहीं छोड़ ही नहीं पाओगे, वो है ही नहीं, कहना अच्छा बात है, करना बहुत कठिन है। आज जो कर देता है वही अर्हत होता है, वही बुद्ध बनता है। अरे भौतिक तक खुद ही सीमित होने लगेगा, आप अपने तक सीमित रहोगे ना, खुद ही सीमित होने लगेगा ना। दो रोटी खाओगे तो कहे दो दस कोशिश करेंगे रखने का, है ना। संत तो यही कहता है ना, जैन धर्म अपरिग्रह की बात कहा है, अध्यात्म की व्याप्ति सबके लिए थोड़े ही है, सांसारिक के लिए बात तो रहे, जो संसार से जो ऊपर चला गया वही ना लोकोत्तर चित है। दो प्रकार के चित बताया गया, लोकीय चित्त लोकोत्तर चित है। तो लोकीय चित्त जो लोक में विचरण कर रहा है, जो कामावचर चित है, रूपावचर चित है और अरूपावचर चित है, ये तीन प्रकार के जो चित्त भूमि है वो लोकीय चित है। इसको जो पार कर गया वो लोकोत्तर चित है। तू तो कामावचर से रूपावचर में नहीं जा रहा है, अब बात करेगा तू लोकोत्तर चित कहां से बात करेगा, वो संभव नहीं है ना, है ना, वो संभव नहीं। वो बात करना कि भौतिकता बात, अब भौतिक में तो घुस ही रहा है लोग, बुद्ध का यही प्रयास था, कुछ भी पालन कर लिया उसका कल्याण हो जाएगा, वो तो जाने रहते निर्वाण नहीं मिलेगा, वो तो अंतिम है, कुछ तो करे, कुछ भी प्रभाव पड़ेगा तो उसके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा, उसका भी परिवर्तन होगा और उसके संसर्ग में जो आएगा उसका भी परिवर्तन हो जाएगा। हाँ बोल कितना सर उचित है ऐसा कहना कि कोई अस्थायी किसी नित्य का कारण हो रहा है, या हमारा अस्थायी होना नित्य के ऊपर निर्भर है, या अस्थायी नित्य का कारण बन सकता है, तो सर ये जो कॉन्ट्रोडक्शन है अस्थायी नित्य का कारण बन रहा है, तो सर ये कैसा, जैसे हम जानते हैं सत सत का कारण है और असत से असत्य की उत्पत्ति होती है, सर तृष्णा जो अस्थाई है तो सर वो तृष्णा का नाश होने से हमें नित्यता की या जो निर्माण उसकी प्राप्ति कैसे हो रही है, जबकि ये अस्थाई नित्य का कारण कैसे हो रहा है सर, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हमको लगता है सर यहाँ पे है। धन्यवाद सर। निर्माण क्या है, चित्त की स्थिति है ना, चित्त की स्थिति है ना, ठीक। चित्त को क्या क्या गया, हंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यं, यही कहा गया ना। दूसरी लाइन है उजुं करोति मेधावी उसु कारो वतेजनंग। अब हंदनंग चपलंग है, चित्त जो है चंचल है या चपल है, चंचल अचपल है तो वो अस्थाई रहेगा, उसी को तो अस्थाई करना, उसी को ना रोकना है, वो तो भटक ही रहा, वो भटकने वाले चित्त को जो है वो ठीक करना है, सीधा करना है, न भटके। और जो चित्त न भटके, जो स्थिर हो गया वही निर्वाण है। जब तक भटक रहा है तब तक वो निर्वाण है नहीं, तब तक तृष्णा है, कहीं भूत में जा रहे हैं, कभी भविष्य में जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां भटक रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, जब भटक रहे हैं वही तो चित्त है ना, और जो स्थिर हो गया तो वही निर्वाण। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, समय है, इसलिए इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी पूछो भैया, अब हो ही गया खत्म, निर्वाण मिल गया आपका, चाहिए। सर एक उदाहरण आता है कि सर मतलब बुद्ध, भगवान बुद्ध के ऊपर किसी ने पत्थर मारा था, तो उन्होंने बोला था कि ये पूर्व जन्म के कर्म का फल है। सर हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे बुद्धिस्ट जो फिलोसफी है उसमें ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ अपरिवर्तन, मतलब सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परिवर्तित ना होती हो, तो क्या सर कर्म फल अपरिवर्तनशील है, क्या उसमें परिवर्तन नहीं होता है कर्मों के फल में? होता है ना जी, होता बेटी, जो भी कर्म किया ना, जैसे एक लोटा रख लीजिए, उसमें पानी रखे हैं,
चीनी डालिए नमक डालिए परिवर्तन नहीं हो रहा है, चीनी डालिए नमक डालिए परिवर्तन हो रहा है, चीनी चीनी डालेंगे तो मीठा हो जाता है, नमक डालेंगे नमक ज्यादा हो, दोनों मिलाएंगे मिक्सर रहेगा, परिवर्तन तो हो ही रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब कोई जैसे निर्वाण प्राप्त कर लिया ना, वो केवल चीनी चीनी डालेगा, निष्काम कर्म कर रहा ना, उसका फल मिलेगा ही नहीं, कोई स्वाद नहीं रहता है, कोई फल ही नहीं रहता है, ना उसके बाद राग है ना द्वेष है। जब राग करते हैं ना तब हमें लगता है कि अच्छा अच्छा लगता है, जब द्वेष करते हैं तो बुरा बुरा लगता है, तो दोनों से ऊपर उठ गया है ना। हाँ, तो इसलिए कर्म कर्म जो नहीं जो किए हुए आज बुद्ध का नहीं नहीं जैसे बुद्ध को तो निर्वाण में नहीं नहीं बुद्ध हुआ है ना कि जैसे निष्काम कर्म कर लिया, जब निष्काम कर्म करने लगा तो उसको तो भाई अर्हत मिल गया, अर्हत तो बन गया, अब काम निष्काम कर्म कर रहा है, संयोजनों को नष्ट कर दिया तो अब तो निष्काम कर्म कर रहा है, लेकिन जो पिछले जो खराब कर्म किया था वो फल कहाँ जाएगा। अब अगला जन्म निश्चित रूप से नहीं होगा, लेकिन उसको भोग तो भोगना ही पड़ेगा ना, भोग तो भोगना। इसलिए बुद्ध को भी जो है देखे थे कि पत्थर लगा तो पैर में ये हुआ था, हुआ ही था ना। कर्म फल से बच नहीं सकते, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप आज अपने रूप संग्रह विभागों का बड़े ही विस्तार से इन पार्टिसिपेंट्स के सामने उस अध्याय को पूर्ण किया, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और आप सभी ने भी अपने प्रश्नों से इस सत्र को जीवंत किया, और आज यहीं पर हम लोगों का पाठ से संबंधित अभिधम्मत संग्रह के जो 9 पाठ हैं वो 9 पाठ की संपूर्ति होती है। कल जो है तकनीकी रूप से इसका विधिवत समापन होगा इस सप्त दिवसीय कार्यशाला का, और आप लोगों को जो निर्देश दिया गया है कि कल 2 सत्रों में सभी पार्टिसिपेंट्स अपने अपने लिखे हुए पत्र को प्रस्तुत करेंगे, सभी नहीं करेंगे, जो 25 या 26 जो ग्रुप होगा दो दो लोगों का, उसमें से 2 लोगों में से कोई एक व्यक्ति प्रस्तुत करेगा, और वह 2 सत्रों में होगा, और 10:30 बजे ठीक 10:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। जैसे अन्य सत्र चलते थे वैसे ही 2 सत्रों में लंच एक जो है 2 सत्र लंच से पहले चलते हैं, तो उन्हीं 2 सत्रों में उसको पूरा किया जाएगा, और लंच के बाद पुनः जो है हम लोग वैलेडिक्टरी सेशन में बैठेंगे और इसका विधिवत संपूर्ति होगी, और फिर आप सब लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप लोग चाय लीजिए बाहर।